आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में जो आरएनए थे, दो न्यूक्लिक एसिड थे, आरएनए एंड डीएनए, दोनों को हम लोगों ने फिनिश कर लिया। डीएनए पहले फिनिश कर लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो आरएनए स्ट्रक्चर था, उसकी चेन थी, कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ मैंने आपको करा दिया था। और यहाँ से आपका एक जो न्यू टॉपिक है एंजाइम्स वाला, वो स्टार्ट होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स में ये फिफ्थ बायोमोलिक्यूल होता है एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं इसमें। फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट, ध्यान करते चलिएगा, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, सेकेंड हमने लिपिड्स पढ़ा था, थर्ड हम लोगों ने नाइट्रोजन, आई मीन टू से जो आपके नाइट्रोजन वाला पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट था, और फोर्थ था आपका न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए थे, एंड फिफ्थ आता है हमारा एंजाइम्स। थाउजेंड ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली एट अ गिवन टाइम इन टाइनी लिविंग सेल्स। देखिए, हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप परफॉर्म होती रहती है, ये तो आपको पता ही है। एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द बॉडी टेम्परेचर, और जो रिएक्शन है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पे प्लेस होती है, क्योंकि सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने का मतलब बॉडी का टेम्परेचर होगा। एंड इफ दीज एंजाइम्स वर नॉट प्रेजेंट इन द सेल, आइदर द रिएक्शन वुड नॉट अकर, और इफ दे अकर दे वुड अकर एट अ वेरी स्लो रेट। तो यहाँ पर अगर ये एंजाइम्स जो हम पढ़ते हैं, अगर ये सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होंगे, तो दो कंडीशन है, या तो रिएक्शन होगी नहीं सेल के अंदर, अगर हो भी जाती है, हो भी रही है, तो बहुत ही स्लो रेट पर होगी। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कैटलिस्ट, एंड बायोलॉजी में पढ़ते हो एंजाइम्स। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उस रिएक्शन के रेट को स्लो या डिक्रीज करने का, यही होता है आपका कैटलिस्ट। यहाँ पर भी एंजाइम्स का कुछ ऐसा ही काम है हमारी बॉडी के अंदर, कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना और उसकी रेट को, रिएक्शन रेट को स्लो या फास्ट करना। ईच एंजाइम कैटलाइजेस अ स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शंस, स्पेसिफिकली परहैप्स ओनली वन। हर एक एंजाइम, हर एक रिएक्शन में जो स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेसिफिकली परहैप्स ओनली वन। द एक टाइमिंग पे एक ही करेगा, ऐसा नहीं है कि एक टाइमिंग पे बहुत सारे कर रहे हैं। द सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। एंजाइम जिस पर्टिकुलर चीज पर अपना एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, एक्शन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। जैसे केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स होते हैं और देन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो कैटलिस्ट होते हैं उनको रिएक्टेंट्स में ऐड किया जाता है, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर भी जो एंजाइम्स हैं, जिस सब्सटेंस पे अपना रिएक्शन करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सट्रेट कहते हैं। द एंजाइम्स विच एक्ट विद इन द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड आर नोन एज एंडो एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर बनते हैं और उनकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, इट इज कॉल्ड एंडो एंजाइम। लाइक एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इफ दे एक्ट आउटसाइड द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड, दे आर नोन एज एक्सो एंजाइम्स। एंड ऐसे एंजाइम्स जो आउट ऑफ द सेल बने हैं, सिंथेसाइज्ड हुए हैं, और देन वहां के आसपास के जो सेल की कंटेंट है उस पर रिएक्ट करती है, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं एक्सो एंजाइम्स। एंड एंजाइम्स रिलीज्ड बाय मेनी फंजाई, और बहुत सारी फंजाई भी होती हैं जो कि एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। दीज एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल रिटेन देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी इवन व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल। ये एंजाइम्स हमारे लिविंग सेल्स के थ्रू या उसके अंदर बनते हैं एंड अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करते हैं जब वो सेल से बनते हैं। तो होता है ना, कोई ओर होता है तो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जो सेल के अंदर एंजाइम्स बने वो भी तो अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट करेंगे सेल से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट और डू यू नो है, हम लोग देख लेते हैं। जर्मन केमिस्ट एडवर्ड बुकनार डिस्कवर्ड एंजाइम्स बाय एक्सीडेंट।
एंजाइम्स को डिस्कवर्ड करने वाले जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड ब्यूकनर। ब्यूकनर डिस्कवर्ड दैट लिविंग सेल्स वर नॉट नेसेसरी बट दैट ईस्ट एक्सट्रैक्टेड कुड ब्रिंग अबाउट फर्मेंटेशन। यहाँ पर उन्होंने कहा डिस्कवर्ड दैट लिविंग सेल्स वर नॉट नेसेसरी। लिविंग सेल्स जरूरी नहीं होते हैं बट दैट ईस्ट एक्सट्रैक्टेड कुड ब्रिंग अबाउट फर्मेंटेशन। लेकिन जब हम ईस्ट को मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस परफॉर्म करती है, मतलब उनके लिए लिविंग सेल्स का कोई मतलब नहीं था। मतलब हमारी बॉडी में तो है, हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स के अलावा हम जी नहीं सकते, लेकिन जब हम आउट ऑफ द बॉडी उन लिविंग सेल्स को निकालेंगे दे आर यूजलेस, वो यूजलेस है, कोई उनका मतलब ही नहीं है। फिर उन्होंने ईस्ट को देखा कि अगर मैं ईस्ट का यूज करता हूँ अब हम लोगों का, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन से आपको पता ही है अल्कोहल वगैरह बनता है, राइट? ही देन कॉइन्ड द टर्म एंजाइम। तब उन्हें एंजाइम्स वर्ड के बारे में पता चला था एंड दिस टर्म इज नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल बायोकैटलिस्ट। और ये जो वर्ड है ना एंजाइम, जितने भी बायोकैटलिस्ट होते हैं सबके लिए कॉमनली यूज किया जाता है, नॉट फॉर पर्टिकुलर एंजाइम। डू यू नो है रेनिन टैबलेट्स यूज फॉर कॉगुलेटिंग मिल्क प्रोटीन कैसिन कंटेन रेनिन एंजाइम दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टमक ऑफ काल्फ। रेनिन टैबलेट्स आती हैं, इनको क्या किया जाता है, जो मिल्क होता है मिल्क प्रोटीन उसमें डाल दिया जाता है। अब ये क्या करती है, जो मिल्क है उसके प्रोटीन को, मिल्क में प्रोटीन होता है उसके प्रोटीन को कॉगुलेट करती है। कॉगुलेट का मतलब बताया था मैं, एक ग्रुप में बाइंड कर देती है जिससे मिल्क कन्वर्ट हो जाता है चीज में। मार्केट में जो चीज बनाते हैं ना वो टेबलेट्स ही बनाते हैं, कोई घर ऐसा नहीं, बहुत शुद्ध तरीके से नेचुरल तरीके से बनाया जा रहा है कि दूध को पहले फाड़ दिया फिर उससे सारा पानी निकाल दिया फिर उसको इस तरीके से रख दिया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ चीज को बनाने के लिए वो लोग ग्रेनाइट टेबलेट्स का यूज करते हैं, कोई बड़ा सा बीकर लेते हैं उसमें जितने टेबलेट्स की रिक्वायरमेंट है डाल देते हैं, मिल्क के जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं वो कॉगुलेट हो जाते हैं, कॉम्बाइन हो जाते हैं एंड चीज बन जाता है। और उस रेनिट टैबलेट्स में प्रेजेंट होता है रेनिन एंजाइम। रेनिट टैबलेट्स कंटेन रेनिन एंजाइम दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टमक ऑफ काल्फ। काल्फ समझते हैं, जो बेबी होता है काऊ का, उसके काल्फ से ना काल्फ के स्टोमक से उस एंजाइम को निकाला जाता है और रेनिन से रेनिन टैबलेट्स बनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ एंजाइम्स। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन एंजाइम्स कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरीज। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर एंजाइम्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली है हमारी प्योरली प्रोटेनियस एंजाइम्स। द फर्स्ट वन इज प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम दैट इज स्प्लिट प्रोटीन, प्रोटीज दैट इज स्प्लिट प्रोटीन। दूसरे होते हैं हमारे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन टू विच अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अटैच्ड। ध्यान है हम लोगों ने आप लोगों के प्रोटीन वाला जब मॉलिक्यूल पढ़ा था, बायो मॉलिक्यूल, तो हमने वहां पर दो मॉलिक्यूल पढ़े थे, एक आपके कॉन्जुगेटेड में भी दो टाइप के थे, एक प्रोटीन जो आपके कार्बोहाइड्रेट से अटैच थे, दूसरे प्रोटीन जो आपके लिपिड से अटैच थे, राइट? याद होगा आप लोगों को। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कब बनते हैं, जब प्रोटीन हमारा किसी नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप से, नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप में या तो कार्बोहाइड्रेट या लिपिड आएगा उसी से तो अटैच था। तो अगर कोई भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप लाइक कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से अटैच होते हैं तो हमारा कौन से एंजाइम्स बनते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। जैसे वहां पर था ना कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉर्मली बाउंड टू द प्रोटीन कंपोनेंट बाय केमिकल बॉन्ड एंड इज नॉट रिमूव्ड बाय हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर होता क्या है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स, ये प्रोटीन के कंपोनेंट को केमिकल बॉन्ड से बाउंड कर लेता है। कोई भी दो ग्रुप है, मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से ज्वाइन होंगे तो किसी बॉन्ड के थ्रू होंगे। तो जब किसी प्रोस्थेटिक ग्रुप में प्रोटीन के कंपोनेंट्स को बाउंड कर लिया केमिकल बॉन्ड से, तो
उसको हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग रिमूव नहीं करवा सकते, ये भी ध्यान रखेगा. व्हेन इट इज बाउंडेड बाय अ केमिकल बॉन्ड एंड इज नॉट रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिसिस. इफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव. लेकिन अगर हम प्रोटीन से प्रोस्थेटिक ग्रुप को अलग कर दें तो प्रोटीन का जो एंजाइम होता है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, मतलब यूजलेस हो जाता है, वो काम ही नहीं कर सकते, तो यूजलेस. एंड प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम. एंजाइम का जो प्रोटीनियस पार्ट होता है ना उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं. देखिए एंजाइम्स क्या है, एक्चुअली में ये प्रोटीन से ही बने हैं. जो एंजाइम है ना वो हम ये कह सकते हैं 90% प्रोटीन से ही बने हैं. बस बात अलग है कि प्रोटीन किसी दूसरे ग्रुप के साथ अटैच है या फिर सिंगल है या किसी और से मिलकर बना है, बट एक्चुअली में एंजाइम्स की बात करें तो होते प्रोटीन ही है. सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाला तरीका. तो यहाँ पे बोला है कि एंजाइम में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है ना उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम. एंड एपो एंजाइम विद प्रोस्थेटिक ग्रुप टुगेदर फॉर्म्स होलो एंजाइम. यही जब एपो एंजाइम यानी कि जो प्रोटीन वाला पार्ट है किसी प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड के ग्रुप से अटैच होगा तब जो हमारा एंजाइम बनता है इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम. एंजाइम है किसे बना होता है, प्रोटीन से. एंजाइम का प्रोटीन, देखो एंजाइम क्या है, देखो मैंने क्या बताया कि 80 या 90% प्रोटीन से बना होता है, बाकी के जो 20 या 10% है बाकी के अदर केमिकल कंपोनेंट होता है. ठीक, अब इस एंजाइम में जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा उसे इट इज कॉल्ड एपो एंजाइम. एंड व्हेन एपो एंजाइम कॉम्बाइन विद प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट मीन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम. क्वेश्चन आता है यहाँ से एपो एंजाइम, एपो एंजाइम का और होलो एंजाइम का. देयर आर एंजाइम्स व्हिच रिक्वायर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस फॉर देयर एक्टिविटी. ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको अपनी एक्टिविटी या रिएक्शन करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आयंस की भी जरूरत पड़ती है. द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर टाइटली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड को एंजाइम्स, वेयर एज द इनऑर्गेनिक आयंस विच आर लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड को फैक्टर. देखिए जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंजाइम्स में, क्योंकि एंजाइम्स की अपनी रिएक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज की जरूरत होती है, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंजाइम्स के प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच हो जाते हैं बट टाइटली, लूजली नहीं एकदम टाइटली अटैच हो जाते हैं. व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टाइटली अटैच विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इट इज कॉल्ड को एंजाइम. मैं बता देती हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं. एमसीक्यू में पूछेंगे, वन वर्ड में पूछेंगे, 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है. तीनों से तरीके से बता दिया, एमसीक्यूज 1 वर्ड 2 मार्क्स की डेफिनेशन. पूछ लेंगे कोएंजाइम क्या है, तो आपको डेफिनेशन होनी चाहिए. द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर टाइटली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट और कॉल्ड कोएंजाइम. होलो एंजाइम पूछ लेंगे, एपो एंजाइम पूछ लेंगे. यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ ऑल टर्म्स. वेयर इज द ऑर्गेन इनऑर्गेनिक आयंस व्हिच आर लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड कोफैक्टर्स. ऐसे इनऑर्गेनिक आयंस जो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से लूजली अटैच होते हैं, लूजली मतलब लाइक दैट, इन्हें हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स. इट इज कॉल्ड कोफैक्टर्स. सम ऑफ द ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स आर नाइकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि एनएडी. ऑर्गेनिक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा अटैच होता है ये हमारे प्रोटीन पार्ट के साथ, दैट्स इट. नाइकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फुल फॉर्म आ जाती है लिखने के लिए. एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड Fn. And inorganic ions of metals which act as a cofactors, magnesium, copper, zinc, iron, manganese, etc. दोनों के नाम याद रखिएगा. Coenzymes का example आपको दिया हुआ है NAD and Fn. Inorganic ions जो कि आपके protein part के साथ loosely attached होते हैं, magnesium, copper, zinc, iron, manganese, that cofactors. Iron F2+ is a cofactor of enzyme catalase. मैग्नीज इज अ कोफैक्टर ऑफ पेप्टिडेजेस, ऑफन मेटल कोफैक्टर रिफर्ड टू एज एंजाइम एक्टिवेटर. यहाँ पे जो आयरन Fe2+ है ये आपका कैटलिस्ट एंजाइम का कोफैक्टर है. मैग्नीज आपका
पेप्टिडाइज एंजाइम का कोफैक्टर है, ये एंजाइम है कैटलिज पेप्टिडेज, पढ़े होंगे आप लोगों ने। कैटलिज एंड पेप्टिडेज आर द एंजाइम, और इसमें जो आपका कोफैक्टर होता है आयरन और मैग्नीज होता है, और ऐसे बहुत सारे मेटल कोफैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग एंजाइम्स एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हम प्रोटीन पार्ट को उसके जो मतलब जो उसका ग्रुप है प्रोस्थेटिक ग्रुप है राइट, उससे हम अलग कर देंगे तो एंजाइम हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। यही पढ़ा अभी हमने लास्ट स्लाइड में, एज यू कैन सी द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव व्हेन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव। तो यहाँ से भी जब इसका ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, लेकिन जब इन्हीं के ग्रुप को उसको हमने कॉम्बाइन कर दिया अटैच कर दिया इट विल बिकम एंजाइम्स एक्टिवेटर्स। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, तो इसीलिए हम लोग कोफैक्टर्स को क्या कहते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर्स। नेक्स्ट वन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोटीनेशियस नेचर। ऑल एंजाइम आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, यही मैंने बताया था कि हमारे जितने भी मोस्टली एंजाइम्स हैं वो हमारे प्रोटीन से बने होते हैं, 80 से 90% प्रोटीन से। दूसरा प्रॉपर्टी है थ्री डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन। ऑल एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक 3D कॉन्फॉर्मेशन, दे हैव वन और मोर एक्टिव साइट्स टू व्हिच सबस्ट्रेट कॉम्बाइन। देखिए होता क्या है, जैसे एंजाइम है, एंजाइम ज्यादातर हमारे 3D होते हैं। सपोज करो मैंने ट्राइंगल बना लिया राइट, अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो तीनों साइड्स हैं 1, 2 एंड 3, इनसे सबस्ट्रेट यानी कि जो रिएक्टेंट है वो कॉम्बाइंड रहते हैं। एंजाइम हैव स्पेसिफिक 3D कॉन्फॉर्मेशन, जिससे तीनों साइड से इसका जो रिएक्टेंट है यानी कि जो एंजाइम जिस चीज पर रिएक्ट कर रहा है, जो रिएक्टेंट है उसके तीनों साइड से क्या है, कॉम्बाइन रहते हैं। एंड द पॉइंट्स ऑफ एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट जॉइंस विद द एंजाइम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। और इसको हम लोग एक्टिव साइट भी तो कहते हैं, 1, 2, 3, जहां पर रिएक्टेंट जिस पॉइंट से जिस साइट से कॉम्बाइन हो रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट सब्सट्रेट को ज्वाइन कर रही है ना, सब्सट्रेट मतलब रिएक्टेंट ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पर, वन सब्सट्रेट आई मीन टू से वन रिएक्टेंट, सेकंड रिएक्टेंट एंड थर्ड रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट, इज कॉल्ड सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट। सब्सट्रेट सब्सट्रेट बोल दो, रिएक्टेंट बोल दो, बात ही की है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। तो जिस एंजाइम के साइट से एक्टिव साइट से हमारे रिएक्टेंट यानी कि सब्सट्रेट ज्वाइन होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, इट इज कॉल्ड सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट। यहां से क्लियर हो गया होगा। एक होती है आपकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ये तो आपकी एंजाइम्स की थी, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। एंजाइम्स आर लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स की बात करें तो एक तरीके से हमारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। एंड इंफ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बट देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज्ड। मैंने बताया था कि एंजाइम्स क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उस रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस को मतलब इफेक्ट करते हैं, या तो डिक्रीज कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे, लेकिन खुद अनचेंज होते हैं। आप केमिस्ट्री में इतनी सारी रिएक्शन करते हो, बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, कुछ में कैटलिस्ट भी रखा जाता है, क्या कैटलिस्ट कुछ बनता है? क्या कैटलिस्ट किसी प्रोडक्ट में चेंज होता है कि भाई मैंने ये मैग्नीशियम यूज किया ये इसमें चेंज हो गया, मैंने जिंक किया ये इसमें चेंज हो गया? कभी नहीं होता। दैट मीन कि एंजाइम्स या कैटलिस्ट भले ही आपके बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट देमसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन खुद अपने आप की जो एक कहते हैं ना स्ट्रक्चर है, पर्सनालिटी है, उसको नहीं चेंज करते। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट दे रिमेन एक्टिव टू कैटलाइज अगेन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्ट भी रिलीज हो जाता है, एंजाइम्स एक्टिव रहती हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन पार्ट या प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है। एंजाइम्स तब तक इनएक्टिव नहीं हो सकते जब तक उसके किसी अदर ग्रुप या प्रोस्थेटिक ग्रुप को उससे हटा नहीं दिया जाता, यानी कि रिमूव नहीं कर दिया जाता।
रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्ट रिलीज हो जाए, कैटलिस्ट क्या है, रिमेन एक्टिव रहेंगे, आप उसको चाहो तो दोबारा दूसरी रिएक्शन में यूज कर सकते हो, दे विल एक्टिव। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स कैन कैटलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू एन एंड प्रोडक्ट। एंजाइम्स की थोड़ी सी क्वांटिटी पर जो हमारा सबस्ट्रेट है यानी कि रिएक्टेंट है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को रिलीज करता है। जैसे कि मैं हम ना एक एग्जांपल लेती हैं, थोड़ा सा मतलब घर का ही एग्जाम्पल लेंगे, घर पे सब लोगों ने जो परफॉर्म किया होगा, मैं रिएक्शन कर लूंगी, किसी को समझ में आया नहीं आया, घर का सबको समझ में आ जाएगा, राइट। सपोज करो यहाँ पे मैंने एक दिया लिया, राइट, लाइक दैट हमने दिया लिया, दिया में डाला हम लोगों ने ऑयल, इसमें हमने ऑयल डाला, धीरे धीरे जल रहा है एकदम, स्लो रेट पे, स्लो रेट पे चलते हैं। अब ले लो कपूर, कैम्फर, घर में भी देखा होगा आप लोगों ने, कैम्फर यूज करते हुए मदर वगैरह में, पूजा वगैरह में, मंदिर में भी। अब हमने डाल दिया यहाँ कैम्फर, एक चीज, हाँ एक चीज मुझे बतानी है, जब हमने यहाँ पे ऑयल यूज किया था तो इसमें ये जो जो बाती जल रही थी धीरे धीरे, बहुत बहुत स्लो रेट पे जल रही थी, प्लस इसमें से जो धुआं था वो भी कम निकल रहा, बहुत ही कम, प्रोडक्ट है ना, जो धुआं निकल रहा है वो तो प्रोडक्ट है, बहुत कम निकल रहा था। जैसे ही यहाँ पर कैम्फर डाला, इस पे हमने कैम्फर डाल दिया पूरे चारों तरफ, एंड देन फिर से दोबारा से आग लगा दी उसके ऊपर, अपने आप ही आग पकड़ लेगा। अब एक तो ये फास्ट रेट पे जलना शुरू हो जाएगा, जो बाती है ना वो इतनी तेज हो जाएगी, इतनी तेज जलेगी कि पूछिए मत। इसके अलावा उसमें जो धुआं निकलेगा, पहले निकल रहा था इतना, अब निकलेगा इतना। ये तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एंजाइम को यूज किया स्मॉल क्वांटिटी में, सबस्ट्रेट में यानी कि रिएक्टेंट में, पर एंड प्रोडक्ट हमारा लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होता है यानी कि ट्रांसफॉर्म होता है, जो सबस्ट्रेट है लार्ज क्वांटिटी के प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। दिस इज द एग्जांपल। मैं रिएक्शन का भी दे देती लेकिन रिएक्शन में अरे ये कैसे, तो सिंपल है, घर का एग्जांपल देखो और सीखो। फॉर एग्जांपल सुक्रोज कैन हाइड्रोलाइज 10,000 टाइम्स ऑफ सुक्रोज एज कंपेयर्ड विद इट्स ओन वेट। बोला गया है कि यह जो सुक्रोज होता है, अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे 10,000 टाइम्स ऑफ सुक्रोज एज कंपेयर्ड विद इट्स ओन वेट, दैट मीन कि अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने के बाद कितने टाइम्स किया, 10,000 टाइम्स बार उसको हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर का एडिशन करके। अब जो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा, सुक्रोज इज द रिएक्टेंट विच वी हाइड्रोलाइज 10,000 टाइम्स, एंड द प्रोडक्ट रिलीज्ड जो उसके वेट से भी बहुत ज्यादा होगा, यानी कि सुक्रोज को, एक सेकेंड, सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके वेट से 10,000 टाइम्स ज्यादा आएगा, सॉरी ये 10,000 टाइम हाइड्रोलाइज नहीं किया, 10,000 टाइम्स से जो प्रोडक्ट आएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, आई विल रिपीट अगेन। यहाँ पे सुक्रोज को हमने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, सुक्रोज इज अ शुगर, जब हमने शुगर को यानी कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आया वो इस सब्सटेंस के, सुक्रोज के 10,000 टाइम्स उसके वेट से ज्यादा इसका प्रोडक्ट निकल के आया। और यहाँ पे एंजाइम क्या था, वाटर, वाटर को हमने यूज किया था। ओके, तो ये इसका एग्जांपल है। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू कैटलाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन एंड एसेंशियली नो अदर इज परहैप्स इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। दैट मीन बोला गया है कि एंजाइम की एक ऐसी एबिलिटी जो किसी वन स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए वर्क होता है, बाकी दूसरे के लिए इतना एसेंशियल नहीं है, ये इसकी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी थोड़ा सा हिंदी में समझाती हूँ, थोड़ा सा कितना डेफिनेशन लिख दी है बस, अब समझिए क्या है। देखिए यहाँ पर चाहे कोई भी एंजाइम है, चाहे कुछ भी है, हर किसी का अपना पर्टिकुलर एम होता है, पर्टिकुलर रिएक्शन करने के लिए कोई मेटल होता है, कुछ भी रिएक्टेंट होते हैं, तो एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वर्क करता है, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, बाकी के अदर रिएक्शन में वर्क कर जाएगा
लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं करेगा जितना करना चाहिए पहली वाली रिएक्शन की तरह। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। सपोज करो कोई टीचर है, राइट, कोई टीचर है बिल्कुल, वो टीचर के लिए डेडिकेटेड है लाइक मी। अब किसी टीचर को बॉर्डर पे भेज दिया जाए, क्या भाई वो जो राइफल होती है, बंदूक होती है, क्या वो हैंडल कर पाएगा? नहीं कर सकता ना, जान बचानी होगी। इसको लगेगा दुश्मन आ रहे हैं तो जान बचाने के लिए ठीक है, अपने आप को सेव करने के लिए करेगा, बट क्या पूरी तरीके से जो वहां पर आर्मी पर्सन होते हैं उनकी तरह बन पाएगा कोई टीचर? नहीं बन सकता ना, क्योंकि उसकी एबिलिटी टीचर है ना कि वो आर्मी पर्सन। अगर आर्मी पर्सन होता तो उसकी एबिलिटी आर्मी पर्सन होती। तो यहाँ पर क्या है कि हर किसी ऑर्गन का, हर किसी सेल का, हर किसी एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर एम होता है जिसपे वो अच्छी तरीके से वर्क करता है, बाकी के लिए काम कर जाएगा ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए इंसान सब कर जाएगा, लेकिन उतनी अच्छी नहीं कर सकता ना जितना वो अपने फील्ड में कर सकता है। तो यहाँ पर भी क्या बोला कि एक एंजाइम अपनी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन एसेंशियली वो अदर है जो दूसरी रिएक्शन में काम चला हो जाएगा लेकिन इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। स्पेसिफिटी, स्पेसिफिक, ईच एंजाइम एक्ट्स अपॉन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट। हर एक एंजाइम का अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट या फिर स्पेसिफिक ग्रुप, सबस्ट्रेट का ग्रुप होता है, हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम्स हमारे टेम्परेचर और पीएच पे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी अपने जो चीजें उसको चेंज कर लेते हैं। ईच एंजाइम एग्जिबिट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। हर एक एंजाइम का कुछ अपना स्पेसिफिक पीएच होता है जिसपे वो अपनी रिएक्शन एक्टिविटी शो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएच कॉजेस डिक्लाइन इन एंजाइम। अगर एंजाइम का जो पीएच है उस पीएच से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एंजाइम का हर किसी का अपना पीएच होगा। सपोज करो 7 है, बेसिक है, 4.8 है, स्लाइटली एसिडिक है। अगर वही पीएच उसका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो एंजाइम्स में डिक्लिनेशन आ जाता है, डिक्लाइन हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा वो एक्टिविटी। एग्जाम्पल एंजाइम पेप्सिन सिक्रीटेड इन स्टोमक शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 2 एसिडिक। जैसे कि हम स्टोमक की बात करें जो कि पेप्सिन रिलीज होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो पीएच है 2 होना चाहिए तभी वो वर्क करेगा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है हमारे स्टोमक में, और इसका पीएच 2 होना चाहिए। लेकिन अगर इसका पीएच 2 नहीं होगा, बेसिक हो जाएगा लाइक 7.5 या थोड़ा सा बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क, वो हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं करेगा। यही हम ट्रिप्सिन की बात करें जो कि हमारे ड्यूडेनम में रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इज मोस्ट एक्टिव एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 9.5। यही हम एल्काइन की बात करें तो एल्कलाइन का जो पीएच है, सॉरी ट्रिप्सिन का जो हमारा पीएच है वो 9.5 होना चाहिए। ट्रिप्सिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, और अगर इसका पीएच 9.5 नहीं होगा दे विल नॉट डाइजेस्ट। बोथ दीज एंजाइम पेप्सिन एंड प्रोटीन्स आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। मैंने पहले ही बता दिया पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या है, दोनों ही आपके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, और इनका पीएच अगर इतना नहीं होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, दे विल नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन एंजाइम्स। सो दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन। एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड एट हायर टेम्परेचर ऑफ 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। और बिलो जो हमारे एंजाइम्स हैं हायर टेम्परेचर पे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस या से कम पर डिग्री, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बट बिकम इनएक्टिव। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो गए, कोई चीज खत्म नहीं हो सकती, इनएक्टिव हो जाएगी। उनकी जो एक्टिविटी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो चीज वो शो नहीं करेगी। एंड दिस इनएक्टिव स्टेट इज टेम्पररी एंड द एंजाइम कैन एक्टिव एट सुटेबल टेम्परेचर। इनकी जो इनएक्टिव स्टेट होती है टेम्पररी होती है, कुछ टाइम बाद जब उनको टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा स्विचेबल, दे विल बिकम एक्टिव अगेन। एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं
जो जिनका जो टेम्परेचर है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी का होता है 37 होता है, ठीक है, 35 तक। तो ऐसे एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ज्यादातर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ही अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, इतना मिनिमम होता है। ख्याल से यहाँ तक कितना हो गया होगा। बाकी का जो आपका नॉर्मल क्लेचर वगैरह है एंजाइम्स का, कैसे हम उसकी नेमिंग वगैरह करते हैं, नॉर्मल क्लेचर, उसको हम अपना पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका एंजाइम वाला पार्ट थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो आज तक मैंने टेम्परेचर थक करवा दिया है। इसके आगे जो अगली पार्ट है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।